क्या लेंगी मैम? सिर्फ पानी। महक मैम, इस ओकेजन पर प्लीज कुछ बोलिए। कांता चाची, आइए मां। आज ये सम्मान हमें आप दोनों की वजह से। बिल्कुल सही कहा, आज हम जो कुछ भी है ना, आप दोनों की वजह से। माएं होती इतनी स्पेशल है, बच्चे जो कहते भी नहीं ना, और शिकायतें समझ जाती है, और जो मांगते भी नहीं वो फरमाइशें भी पूरी कर जाती है। माँ, आई लव यू। कांता चाची, आई लव यू। घर के सिंगार का क्या फायदा, पति को तो तुमसे प्यार करना है। बिना पी चढ़ गई है क्या? चलो ऑटो, मुझे काम है, कोई आ जाएगा। सारे शहर की जान बचाने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन पति के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई टाइम नहीं। तुमको तो हमेशा ना हम साथ साथ टाइप सोचते हैं ना। अच्छा, और तुमको जिसम 5, 6, 7 है ना, तो चलो ठीक है, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्या क्या कर रही है शौरी? ये अपने शॉर्ट के बटन की खुल रहे, पागल हो गए हो क्या? डिसअपॉइंट नहीं करूंगा ना। क्या हुआ भाई, जल्दी आ गए क्या? आप बैठो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाओ। अरे नमस्ते बहन जी। लल्ला, तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, हमें लगा कि तुम्हारी बुरसेट का बटन खुला है तो तुम्हें गर्मी लग रही होगी। So, आज जश्न का मौका भी है और दस्तूर दोनों है, इसलिए ये लो, तुम और महक खोलो इसे। Cheers! मैं ये नहीं पी सकती, मैं एप्पल जूस लूंगी। Cheers! शैंपेन के बबल्स की तरह हमारे घर में भी खुशियां उमड़ उमड़ के बहती रहे। Congratulations! Cheers to Mehak and Shaurya. Come on. चाची, देखिए सब अपना गला गीला कर रहे हैं और चाचू तो आंख से भी नहीं पी सकते हैं। देखिए ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए आज सेलिब्रेशन का मौका है, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं,
क्यों रोके आप? प्लीज ठीक है। Cheers. शौर्य तुम बुढ़ापे में बिगाड़ रहे हो। बुढ़ा कौन है? जवानी भर तो आपने संभाल के रखा, इन्हें बिगड़ने ही नहीं दिया। बुढ़ापे में थोड़ा सा बिगड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। और लल्ला को तो सबसे ज्यादा खुशी ना घर वालों को बिगाड़ने में ही मिलती है। आज बड़े दिनों बाद इस घर में रौनक लौटी है, खुशियां लौटी है, so we should celebrate, है? साली साहिबा। आजी जाजी, इस रौनक को हमें घर में कैद करके रखना है और बाहर सिर्फ शोर जाना चाहिए हमारे जश्न का। हाँ बिल्कुल ठीक, चलो शुरू हो जाओ। ऐ मेरी ज़ुहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। रंग भरे बादल से चाची आप भी आओ ना डांस के लिए। मेरे घर में ये खुशियाँ हमेशा बनी रहे, महक और शौर्य हमेशा हमेशा ऐसे हंसते रहे। हाँ ये जी बिरयानी। जी बढ़िया बढ़िया। चलो एक काम करो, वो जो नई वाली क्रॉकरी है ना वो बाहर लगा दो। जी जी क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? प्लीज काम पे ध्यान दो। जी। एक काम करो, ये सब चीजें बाहर ले जाओ, मैं रायता बनाती हूँ, खीरा और टमाटर ले आना। जी। और मैं चालू हो गए। देखो जरा सी शर्म तो है नहीं तुमने, अब डर भी नहीं बचाए क्या? कोई आ गया तो प्लीज सबके पास जाओ ना। सबसे पीछे छोड़ा करना, तुम्हारे पास आया हूँ।
मुझे काम खत्म करने दो, सबको भूख लगी है, हटो। और मेरी भूख का क्या? देख मैंने से भूखा पिंजरे में खाना, तब भी किसी ने खाना तक नहीं पूछा, क्या उसका? शुरू हो गए तुम फिर से, ये सब बातें ना कोई तुमसे कर रहा है। एक बात बताओ, ये तुम्हें हमेशा से पता था या कोई कोर्स किया है? तुमसे प्यार करना ना किसी पढ़ाई से कम नहीं था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओह रियली? तुम और मदद? तुम्हारी मदद कब मस्ती बन जाएगी ना, ये मैं खूब जानती हूँ। शौर्य रहने दो ना, मिला हूं अब जो तुमसे है दिल को मेरे, मत करो आशिक को तड़पाना ना, बहुत बुरी बात होती है। सुकून मिला तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से, सुकून मिला सुकून मिला, हर पल हसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है। अब अच्छा हो गया, ये तो हो गया, लेकिन मैं तो बस अभी शुरू हूँ। सुकून मिला, प्लीज जाने दो। हाँ शौर्य प्लीज, हाँ लल्ला प्लीज, मान लो उसकी बात। अरे जाने दो ना बेचारी को, थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दो महक का, या फिर हाँ हमको एक छोटा सा लल्ला दे दो, हम उसी से दिल बहला लेंगे ना। और तुम दोनों एक दूसरे में बिजी रहना। मासी लल्ला चाहिए आपको? पहले इस बड़े लल्ला को तो संभाल लो। अरे छोड़ो मुझे, दिन मैं कह रहा था हफ्ते में 9-10 दिन तो ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए। हफ्ते में 9-10? अरे मासी मा, मासी 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 कहाँ भाग रही हो? अरे नहीं, लल्ला को खिलाओ ना गोद में, आओ आओ, नहीं लल्ला को खिलाओ गोद में, तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। लल्ला चाहिए आपको, लल्ला चाहिए। कान खींचे बिना तो मानेगा नहीं। माता रानी, बस इसी तरह मेरा घर, मेरे घर वाले खुश रहे, हम सबकी रक्षा करना। मेरे नींबू को जल्दी से ठीक कर दो और बस हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। आज इतने दिनों बाद लगा कि सब कुछ ठीक है, सबके साथ हंसने बोलने को तरस गए थे ना, अब हम ऐसे ही खुश रहेंगे। खुश तो हम रह लेंगे शौर्य, लेकिन इनकी कमी हमेशा रहेगी। आज अगर पीटी होती ना तो हम सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रही होती वो। महक वो जहां भी होंगी ना हमको देख के सेलिब्रेट कर रही होंगी, स्वर्ग में देवानंद साहब के साथ बैठ के ना वाइन पी रही होंगी। शौर्य क्या पीटी तारा बन गई होंगी? और नहीं तो क्या? आसमान में ना सबसे तेज चमकता तारा हमारी पीढ़ी है, ध्यान से देखो तुम्हें भी नजर आएगी, वो देखो। I think वो है पीढ़ी। ये
हीरा तो कौन है? कुछ इंपॉर्टेंट होगा, मैं देखती हूँ। हेलो 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 हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, कोई प्रैंक कॉल कर रहा होगा, कॉलर आईडी मशीन खराब हो गई है, वरना नंबर पता लग जाता। रुको मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? देख तू जो भी है, अगर तूने नाटक बंद नहीं किया ना, तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। इतनी रात को कौन है बेटा? ओ हाँ माँ, माँ पता नहीं कोई लफंगा है, आधी रात को परेशान कर रहा है। देख तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने अपना नाटक बंद नहीं किया ना, तो तुझे ढूंढ के मारूंगा। प्रैंक कॉल्स तो कभी नहीं आए, कौन हो सकता है? बाबू, तुमने तो पूरे 56 भोग लगा दिए। क्या हुआ, बंदा भूखा है क्या? आ नहीं सकता क्या? भूख लग रही है? हाँ लल्ला, पर पहले तो कभी तू ऐसे खाने पर नहीं टूटा। भाई घर से काफी दिन बाहर रह के आया, अकल आ गई है, अब खाने में ना नुकर नहीं करेगा क्यों? हेलो हाँ विकी, विकी कल बॉम्बे में फूड एंड कलरी एग्जीबिशन है, तुझे जाना इस बार, और तुझे रिप्रेजेंट करना व्हाइट चिलीज को। हो किशन मुरारी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो हेलो, कल रात को भी प्रैंक कॉल्स आ रहे थे। मासी रहने दीजिए, कोई बदतमीजी कर रहा है। आवारा, यहाँ का कॉलर आईडी ठीक कराओ, और जो खाली बेल बजा रहा है ना, उसको घर जाके बजाएंगे। अब हाँ विकी, ठीक है। अच्छा सुन, मुंबई के टिकट्स ना तो अपने एजेंट को बोल के करवा ले। इन दैट केस ना मैं जाता हूँ मुंबई आज दोपहर की फ्लाइट, कल वापस आ जाऊंगा। आ सी यू देन, बाय। महक, महक इसको पैक कर दो। लल्ला, जेब फाइल जीजा जी ने दी है, ये भी अपने साथ मुंबई ले जाओ। ठीक है, ओके। क्या हुआ, ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो और क्या करूं? इतने दिनों बाद घर पे आए हो और फिर निकल रहे हो अपने बिजनेस के झंडे फहराने, और इस बार वो भी मुंबई, थोड़े दिन बाद चले जाते। हाँ लल्ला, बहू सही कह रही है, कुछ दिन बाद चले जाना। बच्चों जैसी बात करना बंद करिए, काम बंद हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। विकी है ना, वो काम करे ना, आई हैव टू डू माय बिट। ठीक है बहू, तो तुम चली जाओ लल्ला के साथ। हाँ, इसको अकेले भेजते हुए हमें डर लगता है, जीजी से हम बात कर लेंगे। बस ये क्या करेगी, मैं पूरा दिन बोर हो जाएगी। ओ हेलो मिस्टर, मैं व्हाइट चिलीज की पार्टनर हूँ,
तो ऑफिशियली मैं हर ट्रिप में तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। ये बात सही है। मासी मैं अभी अपने कपड़े पैक करके लाती हूँ। लल्ला जीजी और जीजा जी से हम बात कर लेंगे। तुम दोनों सामान पैक करो और जल्दी निकलना, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। मासी लिख मतलब तुम मेरी बीवी नहीं, वहां बॉडीगार्ड बनके चलोगी है ना? यस सर। अब इतनी हॉट बॉडी है तो इसकी तो बहुत गार्डिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली मुंबई की हसीनाओं से।